गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रियंका जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं, तो हम लोग आइए देखते हैं कि किस तरह से उस सवालों को हल किया जाता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो उसमें से हम एक तरीका मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, पर आगे का हम लोग उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। दो चरांक क्वेश्चन नंबर 3 है, दो चरांक के गुणांक समान करके निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो पहला समीकरण क्या है, 3x-4y = 7, और यहाँ पे आया है 5x+3y 2y = 3। तो ये दो समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ऐसा आपको डॉट दिया रहेगा, तो आपको पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2 डालना है, यही समीकरण आपको लिख के डालना है। अच्छा, इस सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या है, समान गुणांक, जिसे समान पेयर बोलते हैं, और विरुद्ध साइन, जो अपोजिट साइन रहती है वो विरुद्ध साइन हमें यहाँ पे करनी है। तो अगर आप देखोगे समान गुणज क्या होता है, अगर यहाँ पे देखोगे 3x-4y = 7, अगर यहाँ पे देखोगे तो 5x+2y = 3, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लाऊ, 2 दूनी, जैसे 2 से गुणा कर दूं मैं यहाँ पे इस समीकरण में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे इसका समान गुणांक होगा, मतलब ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाएगा, समान गुणांक का कंडीशन क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। लेकिन विरुद्ध साइन, तो विरुद्ध साइन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो ये दूसरा कंडीशन भी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। तो अभी इसे समान गुणांक करने के लिए हमें समीकरण 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। क्यों गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 लाना है, तो 2 2 2 दूनी 4 ही होता है, तो इसलिए 4 से क्या करेंगे, गुणा। लिखने का तरीका बार बार यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अगर हम दो, ये अपना समीकरण 2 है, उसमें किससे गुणा करना है, 2 से। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है 2 गुणे, समीकरण लिखा 5x+2y = 3 गुणे 2, दोनों पक्षों में लिखा, मतलब ये अपना पहला पक्ष और ये अपना दूसरा पक्ष, तो दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, 2 से गुणा। तो अगर आप देखोगे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 दूनी 6, ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर आप समीकरण को ध्यान से देखोगे, 3 और 1 को, ये तो हमारे 3 और 1 को, ये हो गया +4 और ये हो गया -4, तो हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक समान गुणांक वाला और दूसरा विरुद्ध साइन वाला। तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या था अपना, 3x-4y = 7, और दूसरा क्या था हमारा, तीसरा समीकरण 10x+4y = 6। अगर ये अपोजिट साइन है, उनके गुणांक समान है, तो ये कट जाएगा, जैसे ये +4y है और ये -4y है और ये +4y है, तो ये कट जाएगा। अभी इन्हें मैंने जोड़ने के लिए कहा है, तो यहाँ पे अगर 10 और 3 कितना होता है, 13, और 7 और 6 क्या होता है, 13। तो अभी इसके आगे का यहाँ पे देखेंगे, x = 13, ये रिलेशन गुणे का है, तो कहाँ जाएगा, बटे के हर में, तो यहाँ पे 13 एकम 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये x की जो वैल्यू है, हमें समीकरण 1 में 2 में 3 में भी रख सकते हैं, तो हमें अभी ये समीकरण का मान 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है अपना समीकरण, 3x-4y = 7, तो हमारे ये 3x-4y = 7। अच्छा, x की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 आई है, यहाँ पे 4y = 7, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 4y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, तो ये 4y वैसे। अच्छा,
चरांक चरांक वाले के पास जाता है और संख्या संख्या के वाले के पास जाता है, जिसे सजातीय पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय पद। तो ये सात हो गया। ये यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का। जब भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया 4y। यहाँ पे सात में से तीन गया, कितना बचता है? चार। तो y बराबर माइनस, यहाँ पे चार माइनस चार, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा? एक। इस तरह से माइनस एक, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, 4 एकम 4, लेकिन यह माइनस है इसलिए माइनस आ गया। तो x बराबर, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, x बराबर एक, y बराबर माइनस एक, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हल। हल में पहले क्या लिखते हैं? x का मान एक, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एक। इस तरह से बच्चों अपना ये पहला सवाल हो गया। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? तो अभी हमारा ये दूसरा सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें भी वही पॉइंट याद रखना है, एक समान गुणज और विरुद्ध साइन। तो हमारा अगर दूसरा सवाल देखोगे तो 5x+7y=17 समीकरण एक है, और यहाँ पे 3x-2y=4 है। ये दोनों में पहले विरुद्ध साइन देखे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो विरुद्ध साइन हमें यहाँ पे मिल रही है, पहला कंडीशन फुलफिल है। लेकिन समान गुणांक मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया है, समीकरण एक में 2 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि 7 दूनी कितना होता है? 14। और इसका गुणा मैंने दूसरे समीकरण में किससे किया है? 7 से किया है, क्योंकि 2 सते 14। तो यहाँ पे 14 14 14 आ जाएंगे, 14 14 आ जाएंगे, तो हमारा ये दूसरा कंडीशन भी क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों को समान गुणांक करने के लिए मैंने ऐसी संख्या से गुणा की है, जैसे 2 का गुणा 7 में किया, 7 का गुणा 2 में किया। तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पे, ये आपको पूरे वर्डिंग्स लिखने हैं, यहाँ पे 2 5 दुनी 10 x, और यहाँ पे आएगा 2 सते 14 14 y, और यहाँ पे आएगा 7 दुनी 17 दुनी 34, 17 दुनी 34। इस तरह से अभी हम, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अभी हमें समीकरण 2 में इससे गुणा करना है 7 से, तो 7 त्रिक 21 x, ये 7 त्रिक 21, 7 दुनी 14 y, ठीक है? और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 4 सते 28, ये समीकरण क्या हो गया? 4। हमारा 1 और 2 समीकरण था ही, हमें 3 और 4 समीकरण हम लोग ने निकाल लिया, हमने गुणा करके। अभी हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, एक तो विरुद्ध साइन और दूसरा समान गुणांक। तो देखो विरुद्ध साइन, ये प्लस है, ये माइनस है, ये देखो समान गुणांक 14y और ये 14y, दोनों मिल गए। तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण 3 क्या है? 10x+14y=34, 21-14y=28। अगर ये 14 14 कट किया, प्लस माइनस है, समान गुणांक है, वो कट हो जाएगा। ये दोनों को प्लस किया तो 31 एक्स, और यहाँ पे क्या आया? 62। तो x=62 अपॉन, ये रिलेशन गुणे का है तो कहाँ जाएगा? बटे के हर में 31 31 31 31, 32 2 2 62। इस तरह से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पे, पहला सवाल मैंने क्या रखा था? समीकरण 1 में रखने पे, अभी यहाँ पे मैं क्या रख रही हूँ? समीकरण 2 में रखने पे। तो ये सवाल भी देख लेते हैं अच्छे से। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो 3x+2, यहाँ पे आएगा 2y=4, 2 3 6, यहाँ पे 2y=4, -2y, यहाँ पे 4 है, ये प्लस है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो प्लस है। तो प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस, साइन चेंज हो जाती है। तो 2y, यहाँ पे 6 में से 4 गया। अभी यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये देखो बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस जब ही भी आएगा
तो माइनस करना है आपको, तो 6 में से 4 गया 2 आता है, लेकिन साइन जिसकी बड़ी रहेगी उसकी साइन आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है ना। पहले ये चीजें हमेशा आप ध्यान रखना, चाहे आप कभी भी कौन सा भी सवाल करोगे अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, तो अगर प्लस माइनस रहेगा दोनों साथ में तो उसे माइनस ही करना होगा। सिर्फ हमें ये ध्यान देखना है कि प्लस साइन किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है। प्लस की बड़ी रहेगी तो यहाँ 2 आता था, माइनस की बड़ी है इसलिए -2 आ रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कर, ये दोनों जगह पे माइनस है ना, तो हमारा आ जाएगा 2y = 2। तो y बराबर क्या आएगा, 2/2, यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, और y की वैल्यू कितनी आई, 1। तो इस तरह से हमारा हल लास्ट में हमें लिखना है 2,1। इस तरह बच्चों आप ये सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल अलग है, देखते हैं क्या अलग है। पहले हम लोग सवाल की तरफ जाते हैं। x - 2y = -10x, यहाँ पे 3x - 5y = -12। अगर आप यहाँ पे देखो तो समान गुणांक, तो पहले हमें समान गुणांक यहाँ पे देखोगे तो समान गुणांक नहीं, यहाँ 3x है यहाँ x है। अगर मैं यहाँ पे इस समीकरण में 3 से गुणा कर दूं तो ये 3x 3x आ जाएगा, तो ये समान गुणांक का तो क्या बोलते हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। लेकिन विरुद्ध साइन, यहाँ पे देखोगे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, पर विरुद्ध साइन नहीं। देखते हैं हम लोग ये सवाल किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिलहाल हम पहले समान गुणांक करते हैं। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो अगर हमने 3 से गुणा किया तो 3 का गुणा x में किया तो 3x, ठीक है ना, और 3 का गुणा अगर 2 में किया तो 6y, यहाँ पे 3 का गुणा अगर हमने किया तो यहाँ कितना आया, 10 + 30 -30। ये समीकरण क्या हो गया अपना, तीसरा। अगर अभी देखो यहाँ पे बच्चों के हमारा ये समान गुणांक तो हो गया, ये भी 3x है ये भी 3x है, लेकिन विरुद्ध साइन नहीं हो रहा है, इसलिए विरुद्ध साइन के लिए हमें घटाना पड़ेगा। कोई चीज, कोई भी समीकरण हम अगर घटाते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ 3x - 5y = -12 है, और यहाँ पे देखोगे 3x - 6y = -30 है। तो अगर ये पूरे समीकरण का वैल्यू कितना है, -12, और ये पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी है, -30, तो बड़ा क्या है, -12 या -30? ऑब्वियसली -12 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि बच्चों आप लोग देखोगे कि माइनस पॉइंट जितना ही कम रहेगा उतना ही अपने लिए अच्छा है, और जितना माइनस पॉइंट बड़ा रहेगा वो अपने लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, इसको एक तरह का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। जैसे हमने कोई कर्जा लिया है, अगर कोई कर्ज लिया है किसी व्यक्ति ने, तो अगर उसको जितना कर्जा कम रहेगा वो उसके लिए अच्छा है, जितना ज्यादा लेगा उसके लिए वो, तो जितना भी माइनस उतना ही वो अच्छा रहेगा, वो समीकरण बड़ा रहेगा। तो मैंने ये समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 क्योंकि -12 बड़ा है और -30 छोटा है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने घटाने पे लिखा, यहाँ पे प्लस साइन था उसका क्या कर दिया माइनस, यहाँ पे माइनस साइन था उसका क्या कर दिया प्लस, और यहाँ पे माइनस साइन था उसका क्या कर दिया माइनस, का क्या किया प्लस। घटाने पे साइन चेंज होता है, जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीजें आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन घटाने पे समीकरण का साइन चेंज होता है। y बराबर अभी कितना आ गया, यहाँ पे देखोगे ये कट हो गया, यहाँ पे आया 6 में से 5 गया, कितना बचा y, 30 में से, अभी देखो ये 30 है प्लस है, तो +30 में से 12 गया, कितना आया 18। प्लस माइनस आया तो क्या करना है, घटाना है, और घटाते वक्त फिर देखना है कि साइन किसकी बड़ी है, तो प्लस की बड़ी है ना, ये प्लस हो गया ना 30, तो 30 बड़ा है, 12 में से 30 घटाया 18 आया,
साइन किसकी लगाई, प्लस की। वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पे देखोगे एक्स माइनस टू वाई बराबर माइनस टेन, तो यहाँ टू, यहाँ एक्स माइनस टू एक्स, वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया एक्स माइनस 18 दुनी 36 बराबर -10, -10, तो एक्स बराबर -10। अगर ये देखो यहाँ पे बच्चा ये माइनस है, ये जब पक्षांतर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से मैंने आपको वही चीजें बताई कि जब भी प्लस माइनस रहेगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 36 में से 10 गया 26, लेकिन फिर हमें देखनी है कि साइन किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 36 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली, वाई की वैल्यू भी हमारे पास थी, वाई की वैल्यू भी निकाली हुई थी हम लोग ने। तो एक्स बराबर 26, वाई बराबर 18, ये दो मान हमने निकाल लिया। और लास्ट में हम हल लिखेंगे 26, 18। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी हो गया बच्चों। अभी हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इसी तरह से, ये जो दो सवाल हैं जिसमें अब विरुद्ध साइन नहीं दिया है, तो विरुद्ध साइन नहीं दिया रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर विरुद्ध साइन दिया है तो हम उसका समान गुणांक करके हम उसे हल कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस सवाल में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4x + y = 34 समीकरण 1, x + 4y = 16 समीकरण 2, ये दो समीकरण दिया है। हमें वही चीजें ध्यान रखनी है, समान गुणांक, ये चीजें, साइन, विरुद्ध चिन्ह। तो अगर यहाँ पे देखो समान गुणा, यहाँ 4x है, अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दू तो यहाँ भी 4x आ जाएगा, ये 4, तो समान गुणांक का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इन्हें समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पे लिखा हुआ है। 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4x है, इसको भी 4x लाना है समान गुणांक करने के लिए। तो 4 का गुणा x में किया तो 4x, 4 का गुणा अगर हमने 4 चौक के 16y, और 16 चौक 64, ये समीकरण क्या है, 3 है, समीकरण 3 है, ठीक है ना। फिर अगर आप देखोगे ये भी, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, ये भी 4x है, ये भी 4x है, हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण 1 में 3 में से 1 घटाने पे। क्यों घटा रहे हैं 1, देखो यहाँ से, अभी ये पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी है, 64, और ये पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी है, 34। तो बड़ा कौन सा है, 64 बड़ा है, 34 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4x + 16y = 64, 4x + y = 34। अगर घटाने पे लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। ये कट गया, दोनों समान गुणांक है, विरुद्ध साइन है, ये कट गया। अभी 16 में से 1 गया, 16y में से y, y मतलब 1 होता है, तो 16 में से 1 गया, कितना आया, 15y = 64 में से 34 गया तो कितना आया, 30। तो y बराबर हम उसी तरह से निकाल लेते हैं, ये रिलेशन गुड़े का है तो कहाँ जाएगा, बटे के हर में, 15 एकम 15, 15 दुनी 30, तो y बराबर कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पे, जहां y है उसकी जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो x प्लस, यहाँ पे मान रखेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें y का मान निकला है तो हम y के ही जगह रखेंगे, x की जगह नहीं। तो x प्लस 4 गुड़े y की वैल्यू कितनी आई, 2, तो x प्लस 4 दुनी 8 = 16। फिर यहाँ पे देखोगे x बराबर 16, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस,
एक्स 16 में से 8 गया, कितना बचता है 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 8 निकल गई। कितनी निकल गई, 8। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो हमने एक्स बराबर 8, ठीक है, और वाई बराबर 2 अपना आंसर्स आ गया, ठीक है। तो हल क्या कर सकते हैं, 8 2। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रज्ञा प्रसंग्रह 5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, इसको आंसर रीचेक करने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे ये समीकरण 1 है, क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 34, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूं, जैसे 4 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है, 8, प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, 2, ये अगर 34 के बराबर आ गया तो 8 6 32 प्लस 2 यहाँ पे 34, 34 34 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, राइट है। इस तरह से बच्चों आप लोगों को आंसर चेक करने का भी एक तरीका बताया मैंने आपको, कि आपके आंसर्स बराबर है या नहीं वो चेक कर सकते हो आप लोग। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। युगपत समीकरण, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये पूरी पूरे तो एक्स बटे 2 माइनस वाई बटे 4 बराबर 1। तो पहले समीकरण को 1 लिखा है, दूसरे समीकरण को 2 लिखा है। अभी अगर आप देखोगे तो ये सवाल बटे में है। अभी तक हमने सवाल दो चरांक वाला एक सामान्य रूप में दिया था, उसको हम लोग ने हल किया, पर ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। इस सवाल को हल करने का तरीका देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, पहले इनका क्या करते हैं, हर समान करते हैं, हर समान करने के बाद सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, 4 का गुणा, देखो यहाँ मैंने एरो किया है, 4 का गुणा एक्स में, 3 का गुणा वाई में, और फिर ये दोनों का गुणा, 3 4 12, और फिर 12 का गुणा किस में आएगा, 4 में आएगा। लेकिन कैसे आएगा देख लेते हैं। 4 का गुणा एक्स में तो कितना आ गया, 4x, 3 का गुणा वाई में किया तो 3y, फिर यहाँ पे 4 3 4 12 बराबर यहाँ कितना आया, 4। फिर मैंने क्या किया, 4 12 का गुणा 4 में किया तो मुझे क्या मिला, 4x + 3y बराबर यहाँ 12 गुणे 4, तो 4x + 3y बराबर 48। ये समीकरण क्या मिल गया, 3 मिल गया। सेम सवाल उसी तरह से, पहले एक्स को, बच्चा पहले एक्स को गुणा करना, फिर वाई को गुणा करना, क्योंकि हमारे सवाल में एक्स वाई दिया है, तो पहले एक्स आता है तो एक्स का ही गुणा करना। तो मैंने क्या किया, 4 का गुणा एक्स में किया, कितना आ गया, 4x, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे 2 का गुणा वाई में किया तो -2y, ठीक है ना। और इसे ये दोनों का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पे कितना है 1, फिर से इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x - 2y, यहाँ पे 8 एकम 8, ये समीकरण क्या बन गया, 4 बन गया। तो अगर इन सवालों पे आप ध्यान दोगे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 समीकरण 3 और 4 को अगर देखोगे तो इधर 4x है और इधर भी 4x है, तो हमारा कौन सा रूल है, समान गुणांक, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन विरुद्ध साइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे विरुद्ध साइन अगर देखोगे आप लोग, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, समान गुणांक है, लेकिन यहाँ पे विरुद्ध साइन नहीं है। इसके लिए क्या करना है, हमें माइनस करना है। माइनस करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को माइनस करते हैं। तो ये पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी है, 48, और ये पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी है, 8, तो बड़ा क्या है, 3। तो 3 में से 4 को घटाने पर, तो ये हमने कर
घटाने पे किया तो यहाँ पे प्लस था, क्या हो गया माइनस, ये माइनस था यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस था उसका उल्टा क्या हो गया माइनस, ये कट गया 3 और 2। अभी देखो ये प्लस 2 हो गया, 3 2 कितना होता है 5, 3 2 5, और यहाँ पे क्या हो गया 48 में से 8 गया कितना आता है 40, तो ये हो गया 40/5, रिलेशन गुणे का है तो वो बटे के हर में जाएगा, 5 के पहाड़े में 40 कितने बार में आता है 5 8 40, तो ये y बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से y की वैल्यू हमें निकाली है 8, क्या निकली है 8। अभी हम y की वैल्यू समीकरण देखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पे, 3 क्या है 3x 4x + 3y = 48, यहाँ पे 4x + 3। अच्छा y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 8 निकाली है, तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पे 4x, यहाँ पे कितना आएगा 8 + 3 = 24 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 = 48, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे आया 48, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 48 में से यहाँ प्लस है तो प्लस, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस 4x, यहाँ पे कितना आया 24 आ गया, क्या आ गया 24 आ गया, फिर यहाँ पे x = 24, ये रिलेशन गुड़े का है तो कहाँ जाएगा बटे के हर में, 4 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है 6 बार में, तो यहाँ पे आया x = 6, तो हमारा x = 6, y = 8, हल क्या होगा 6, 8, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आपके ये सवाल खत्म होते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा अलग है लेकिन तरीका अगर आपको मालूम है तो बहुत ये समीकरण बहुत इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। पहला x/3 + 5y = 13, ये समीकरण एक। 2x + y / 2 = 19, ये समीकरण आपके 2 हो गए। अच्छा इसको पहले हम लोग एक सामान्य रूप में लेके आते हैं समीकरणों को, तो समीकरण एक लिखा तो अगर आप ध्यान से देखोगे x/3 + 5y = 13, तो यहाँ पे 3 का गुणा किसमें करेंगे 5 में करेंगे, किसमें करेंगे 5 का, और 3 का गुणा किसमें करेंगे 13 में भी करेंगे, तो यहाँ पे x आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो 5y लिखा है गुड़े, यहाँ पे कितना लिखूंगी 3 लिखूंगी, कितना लिखूंगी 3, और फिर 13 का गुड़ा फिर से किसमें होगा 3 में होगा, यहाँ x प्लस यहाँ क्या है 5 * 3 = 15y, 13 * 39, ये समीकरण क्या हो गया 3। अब समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में देखते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पे इधर भी इसका गुणा होगा और इधर भी इसका गुणा होगा, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे ठीक है ना, और यहाँ ये y वैसे ही रहेगा, यहाँ 19 का गुणा भी किसमें करेंगे 2 से करेंगे, 2 * 4 + y = 19 / 38, ये समीकरण क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4। अगर आप 3 और 4 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 4x है, तो फिर से समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर, तो इन सवालों को अगर आप ध्यान से देखो 3 में 4 से गुणा करने पे, तो 3 क्या है x + 15y = 39, किससे गुणा करना है 4 से, तो 4 का गुणा अगर x में किया तो कितना हो जाएगा 4x, और 4 का गुणा 15 में किया तो कितना हो जाएगा 15 * 4 = 60, और 39 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है, यहाँ पे
वर्किंग नोट पे, 4 9 36 का 6 हासिल, 3 4 12 12 3 कितना होता है 15। तो ये हो गया 156, हमने गुणा कर लिया तो ये 156 आ रहा है। तो हमारा समीकरण 5 बन गया। तो 5 में से समीकरण 4 घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये समान गुणज तो मिल गया लेकिन विरुद्ध साइन हमें नहीं मिली है। समान गुणज मिल गया लेकिन विरुद्ध साइन नहीं मिली है, तो प्लस को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाते वक्त फिर से वही बात आपको याद रखनी है कि बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटाना है। तो ये पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी है, 38, ठीक है ना, और ये पूरे समीकरण की वैल्यू क्या है, 156। तो बड़ा कौन सा है, 156। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो 4x प्लस 60y बराबर 156, 4x माइनस y बराबर 38। हम लोग ने घटाने पे लिखा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों समान, एक तो समान गुणांक भी है और विरुद्ध साइन भी, ये प्लस और ये माइनस, तो विरुद्ध साइन भी आ गया तो ये कट जाएगा। उसके बाद 60 में से y गया, 60y में से सिर्फ एक y गया, कितना बचा 59, और यहाँ पे 156 में से तो 38 जाएगा या 38 जाएगा, तो कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18। फिर से अगर ये रिलेशन गुड़े का है तो कहाँ जाएगा, बटे के हर में। हम आगे सवाल देखते हैं, तो यहाँ पे y बराबर 118/59, ठीक है ना, तो 59 दुना कितना होता है 118, y बराबर कितना आ गया 118 आ गया। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अगर आप लोग देखो तो बच्चा समीकरण 3 यहाँ पे दिया है x प्लस 15y बराबर 39। तो हमने यहाँ लिख लिया x प्लस 15y बराबर 39। x की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं मिली है, हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 2 मिली है। तो मैं यहाँ पे 15 गुणे यहाँ y बराबर कितना, y की जगह पे क्या रखूंगी 2, तो यहाँ x प्लस 15 दुनी 30 बराबर 39, ठीक है ना। तो बच्चा आप लोग यहाँ ध्यान दोगे, ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 39 में से 30 गया, कितना बचता है 9। x बराबर 9 आया और y बराबर कितना आया 2। तो हमारा आज का हल, ये इस समीकरण का हल क्या है, 9,2। तो इस तरह से बच्चे हमारे सारे सवाल हो गए हैं, समीकरण 1 युगपत समीकरण की प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 के सारे सवाल हो गए हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो टीचर। अभी हम लोग ने 2x/3 प्लस 5y=13 देखा। हाँ। टीचर अगर दूसरे पद में 13/18 या ऐसे कुछ रहेगा तो हमको उसमें भी गुणा करना पड़ेगा ना, 13/18। एक सेकंड, जैसे मैं अभी वो सवाल की तरफ ही चल रही हूँ, आप ये बोल रहे हो ना x बटे 3 प्लस 5y है। यस टीचर। 13 है, अगर यहाँ पे अगर कोई भी संख्या रहेगा बच्चा, अगर यहाँ 3 है ना, तो आपको यहाँ दोनों पक्षों में 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा और इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर अभी देखो ये दूसरा समीकरण है, यहाँ पे अगर देखो तो ये वन साइड में अपना ये था और ये देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो बीचों बीच है, तो मैं 2 का गुणा 2x में भी करूंगी और 2 का गुणा मैं 19 में भी करूंगी, ठीक है ना। तो ये समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें ये समीकरण को हल करना है। थैंक यू टीचर। वेलकम बच्चा।
मिस, गुड मॉर्निंग हाँ मिस। गुड मिस मॉर्निंग आपने बेटा। मुझे पहले लास्ट का बताया, मुझे नहीं थोड़ा समझा, आप फिर से बता सकती है टीचर? लास्ट का यही सवाल है मेरे ख्याल से, यही लास्ट का सवाल है ना, लास्ट का यही सवाल है। एक्स अपॉन 3 प्लस 5 है, यही नहीं समझा या पहला वाला नहीं समझा? यही नहीं समझा वो, समझा वो समझा। अच्छा इसमें आपको क्या नहीं समझा मुझे बताओ, फिर मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। जो, मतलब ये जो गुणा किए ना वो ही मुझे नहीं समझा आपने कैसे किए। अच्छा बच्चा ये देखिए, हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, एक्स अपॉन 3 प्लस 5 वाई बराबर 13, 2x प्लस y/2 बराबर 19। तो बच्चा आप ये सवाल को देखो कि ये सामान्य रूप में दिया ही नहीं है, ये चरांक को सामान्य रूप में नहीं दिया, जिसमें x प्लस y और एक संख्या रहे बराबर एक संख्या रहता है, तो ये बटे में सवाल दिया, तो पहले हमें इसे सामान्य रूप में करना होगा और उसके बाद इन सवालों को हल करना रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप अगर तीसरा सवाल देखो, इसमें अगर देखोगे तो मैंने क्या किया है, समीकरण एक में मैंने वही जो पहले वाले स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उनको जवाब दिया कि देखो बच्चा अगर यहाँ 3 है तो मैंने 3 से गुणा, अगर इस तरह का समीकरण दिया हुआ है तो ये जो हर है हमें ये 5 में गुणा करना है, यहाँ पे 13 में गुणा करना है। अगर इसकी जगह 4 भी होता ना बच्चा, तो 4 का गुणा मैं 5 में करती थी, 4 का गुणा मैं 13 में भी करती हूँ, लेकिन यहाँ 3 दिया तो मैंने 3 में कूड़ा किया। देखो एक्स वैसे का वैसे ही रखा, मैंने किसका गुणा किया, 5 का गुणा 3 में किया और 13 का गुणा किस में किया, 3 में किया, तो एक्स प्लस यहाँ पे कितना आया, 5 3 15 y, यहाँ पे 13 क्या है 39, ये समीकरण क्या हो गया 3। पर अगर दूसरा समीकरण देखोगे ये वन साइड था, अब यहाँ पे देखो बीचों बीच यहाँ पे हर आया हुआ है, बटे में दिया है, तो मैंने ये सवाल को कैसे हल किया, यहाँ 2 दुनी 4 और यहाँ पे 2 का गुणा 19 में करेंगे, तो यहाँ पे कितना आया 2 दुनी 4, वाई वैसे ही रहेगा, उसको हाथ नहीं लगाना है, 19 गुणा 38, ये समीकरण क्या हो गया, ठीक है ना। कमजोर तो इस तरह का अगर आप देखोगे तो यहाँ 4x है, यहाँ 4x नहीं है, फिर मैंने क्या किया समीकरण 3 में 4 से गुणा किया, फिर से गुणा किया, तो 4 का गुणा x में किया तो 4x, 15 चौक 60 और इसका गुणा किया 156, ये समीकरण क्या हो गया 5। अब 5 अगर 4 को देखें तो अगर ये मैंने क्या कहा था, समी घटाते वक्त हमें तो समान गुणांक मिल गया, इसका और इसका समान गुणांक मिल गया, पर विरुद्ध साइन नहीं मिला क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो विरुद्ध साइन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। घटाते वक्त बच्चा एक चीज ध्यान रखना कि जो पूरे समीकरण की वैल्यू है, बड़े बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटाना, तो 150 में से 156 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 118, और यहाँ पे ये देखो ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था पर ये क्या हो गया माइनस हो गया, तो 60 में से वाई घटाया मतलब एक घटा, वाई का मतलब क्या होता है एक, 60 में से एक घटा कितना हो गया 59, और फिर उसी तरह से 59 दुनी कितना होता है 118, तो कितना वाई बराबर 2, और फिर से समीकरण में 3 में रख दिया, सबसे इजी वाले समीकरण में रखना, कभी भी मान रखना रहेगा बच्चा तो आप लोग सबसे इजी वाले समीकरण में रखना, तो यहाँ पे वाई का 2 रख दिया, 15 दुनी 30, यहाँ 39, ये प्लस है इस साइड जाके क्या होगा माइनस, 39 में से 30 गया 9, तो एक्स बराबर 9 वाई बराबर 2, तो हमारा हल आया 9,2। और किसी को आपने सवाल, जो पढ़ाया है वो पेपर सही सही रखो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ले लीजिए आपका, सबका। रखो ना टीचर शुरू से। हाँ हाँ सॉरी, टीचर हाँ मैम, चौथे का पहला बताइए ना। चौथे का पहला, आपको उसमें क्या नहीं समझा बच्चा, मैम एक्स का मान कौन से समीकरण में रखना है वो समझा नहीं। एक्स का मान किसी भी रख सकती हो एक्स का मान, लेकिन हमें यहाँ वाई निकला है तो वाई का मान आप किसी समीकरण में भी रख सकती हो, मैंने कहा कि जो भी है बच्चा आपको एक्स एक्स या वाई का मान इजी समीकरण में रखना। देखो समीकरण एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समीकरण 2 वो भी डिफिकल्ट है, ये दोनों में आपको नहीं रखना है, समीकरण 3 में मैंने एक युगपत समीकरण हल करके दिया है तो समीकरण 3 या 4 में आप रख सकती हो वाई का मान। ओके मैम, थैंक यू मैम।
वेलकम बच्चा। और किसी को कोई प्रश्न है? हेलो मिस। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो क्या प्रश्न वो, है आपके? मिस 77 वो जब भी करवा रहे थे ना 77 का, वो 77 कैसे आया? 77 कौन सा क्वेश्चन नंबर है बच्चा, बताओगे आप? शायद क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, फर्स्ट या सेकंड कुछ तो था। 77 हाँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हल किए हैं बच्चा, उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर अगर आप प्रॉपरली पूछोगे तो मैं उसके आंसर्स दे सकती हूँ। अच्छा मिस, वो एकदम लास्ट में 77 आया था सबका, तो वो समझ में नहीं आया मेरे को। क्वेश्चन नंबर बताइए बच्चा आप। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो। हाँ हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर वन है आपका। हाँ। बच्चा आपको इसमें क्या नहीं समझा? मीन्स ये 77 हर इसमें 77 कैसे आया वो नहीं समझा। कहाँ पे 77 है? ये नहीं, एकदम नीचे वाला, ये वाला। हाँ। अच्छा अगर बच्चा आप यहाँ देखोगे 13 कम 13 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई? एक आई ना, तो x हाँ। का मान समीकरण एक में रखने पे तो x क्या है? 3x - y = 7। ये हमने कहाँ से लिया? समीकरण एक उठाया। हाँ अभी यहाँ देखो x की वैल्यू बच्चा कितनी आई है? एक। तो यहाँ लिखा 3 गुड़े, यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं, ना प्लस का है ना माइनस का है ना गुण भाग का है, तो हम लोग ये क्या होता है? गुणे का साइन होता है, 3 गुड़े। हाँ तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चा? एक रखनी है। कितनी रखनी है? एक, क्योंकि x की वैल्यू एक आई है। -4y = 7, 3 एक 3 आ गया, ठीक है ना? ये -4y वैसे का वैसे ही रहेगा, ये क्या आ गया? 7 आ गया ना, 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ये -4y, अभी देखो बच्चा ये प्लस है, जब भी ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 गया, कितना आ गया? 4। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो मैंने क्या किया? रिलेशन गुड़े का है तो मैं ये बटे के हर, 4 एक 4, लेकिन ये माइनस है तो क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हल क्या आया? 1 - 1। एक माइनस एक। ओके मिस, थैंक यू मिस। वेलकम। मिस हाँ बोलो बच्चा। मिस चौथे का तीसरा कट है क्या इस बार? चौथे का तीसरा? हाँ बच्चा ये कट है। अच्छा ओके ओके मिस, थैंक यू। हाँ हेलो टीचर। हाँ बोलो टीचर, मुझे तीसरे का तीसरा समझाइए ना। तीसरे का तीसरा सवाल, उसमें आपको क्या नहीं समझ में आया बच्चा? टीचर उसमें स्टार्टिंग से ही नहीं समझ में आया। आपको अगर इतने सवाल आ गए तो इसमें क्या नहीं समझा? इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट अलग था कि यहाँ पे 3 का गुणा इसमें करना था, समान गुणांक रखना था, विरुद्ध साइन रखनी थी आपको, है ना? तो यहाँ पे x है तो समीकरण एक में 3 से गुणा कर देना था, 3 से गुणा किया 3x, 3 से गुणा किया -6y, यहाँ 3 से गुणा किया -30, 10 3 30। बस यहाँ पे ये था कि अपोजिट साइन नहीं था, विरुद्ध साइन नहीं था, तो आपको समीकरण घटाने पे लिखना था, बड़े में से छोटे को घटाना था, तो -12 बड़ा है और -30 छोटा है, तो बड़े वाले को छोटे वाले से घटा देना था। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, माइनस था तो प्लस, ये कट गया। 6 में से 5 गया, कितना बचता है? वाई। यहाँ 3 में से 12 गया, 8 आ गया। वाई का मान समीकरण एक में रखने पे, तो समीकरण एक क्या था? x - 2y = -10।
तो एक्स की वाई की वैल्यू कितनी आई है 18। तो एक्स माइनस दो गुड़े वाई की जगह क्या रखेंगे बच्चा 18 रखेंगे, तो 18 दूनी 36 बराबर माइनस 10। ये माइनस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करना, 36 में से 10 गया 26, लेकिन साइन किसकी बड़ी है प्लस की, तो प्लस लगाना। x बराबर 26 y बराबर 18, इस तरह से अपना ये सवाल होता है। थैंक यू टीचर। और किसी वेलकम बच्चा, और किसी को कोई प्रश्न? हेलो टीचर। हाँ बोलो बच्चा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर तीसरे का पहला समझाओ ना थोड़ा। तीसरे का पहला? हाँ। ये सवाल तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हैं अभी, ये सवाल मैंने ऑलरेडी अभी एक स्टूडेंट ने पूछा और मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि ये युग्मक समीकरण में नहीं दिया है, सामान्य रूप में नहीं दिया है, और हल करना है। तो क्या करना है, 4 का गुणा x में करना है, कितना हो जाएगा 4x, 3 का गुणा y में करना है, कितना हो जाएगा 3y, 3 का गुणा फिर से 4 में करना है। पहले देखो x का गुणा y में, x का गुणा ये देखो 4x का गुणा x में, यहाँ पे 4x, यहाँ कितना हो गया 3y, और ये दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर ये जो 4 है 12 का गुणा फिर 4 में करेंगे। ये सवाल इस तरह से इजी तरीके से कर सकते हैं। या इसका दूसरा सवाल होता है एलसीएम निकाल के, तो ये बहुत इजी मेथड है जो मैंने यहाँ पे आपको हल करके बताए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 12 12 चौक 48, ये आ गया 4x + 3y, यहाँ पे क्या हो गया 48। सेम एज 4 का गुणा 4x में किया तो 4x, 2 का गुणा y में किया तो -2y, और फिर ये दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 दुनी 8, फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। और उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वही सवाल है, सिर्फ आपको ये समीकरण हल करने आना चाहिए, युग्मक समीकरण। बाकी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण हल किया। धन्यवाद।